अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग में से अगर कोई कैंपस में मौजूद है तो आ जाएं। क्लासरूम 101 है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनाहिर। पूरा नाम? मनाहिर। बच्चा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे कोई कैंपस में मौजूद है तो आप लोग आ जाएं। क्लासरूम नीचे बेसमेंट में 101 रूम। ठीक है, एंटीवायरल एजेंट से स्टार्ट करते हैं हम आज। वायरसेस क्या है? पैरासाइट्स हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट पे, अपनी अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, टोटली जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर होते हैं? होस्ट के मेटाबॉलिक एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हैं, उसी के राइबोसोम से प्रोटीन लेंगे और अपने स्ट्रक्चर को आगे बनाएंगे। अपने ऑन पे कुछ भी नहीं कर सकते और सेल का जो मटेरियल होता है होस्ट का, उसी को यूज करते हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें उनका न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड कोर जो कि डीएनए या आरएनए होता है, और जो चीज आती है उसमें एक कैप्सिड आता है जिसने उसको सराउंड किया हुआ होता है। इसके अलावा क्या चीजें आ जाती है न्यूक्लिक एसिड कोर में? डीएनए होगा या आरएनए होगा और एक कैप्सिड कवर होगा। बाज़ औकात क्या होता है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वायरस स्पेसिफिक एंजाइम्स कहते हैं, और समटाइम्स इसके सराउंडिंग में एक लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम एनवेलप कहते हैं। ठीक है, कोर और कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड कोर और कैप्सिड, ये दोनों चीजें जो है वो तो फिक्स्ड है, बाकी जो है एंजाइम और एनवेलप ये किसी में होगा और किसी में ना हो ये डिपेंड करता है। ये जो चीजें नजर आ रही है हमें स्पाइक से जो बने हुए हैं, ये लिगेंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वायरस को कि वो जाके होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल है जिसे हमने न्यूक्लिक एसिड कोर कहा, मेम्ब्रेन है जिसे हमने कैप्सिड कहा है, और लिगेंड्स हैं जो कि इसको हेल्प करवाते हैं अटैचमेंट के लिए टू द होस्ट सेल, और फिर वो इन्वेड कराते हैं। दो तरह के वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस हैं एंड आरएनए वायरसेस हैं। जो डीएनए वायरसेस हैं उनमें जीनोम जो है वो डीएनए है, जो आरएनए है उनमें आरएनए जीनोम है। जो आरएनए वायरसेस हैं उन्हें हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं। रेप्लिकेशन के लिए इनको जो चीज चाहिए होती है वो डीएनए पॉलीमरेज है, और जो आरएनए वायरसेस को चाहिए होती है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। एग्जाम्पल्स क्या है? हर्पीस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ईबीवी, और आरएनए वायरसेस में रुबेला, डेंगी, हेपेटाइटिस ए एंड सी, एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरसेस। लाइफ साइकिल क्या है वायरस का? कि सबसे पहले वो आएगा और अटैच हो जाएगा होस्ट सेल पे, अटैच होने के बाद वो एंटर होगा होस्ट सेल में, एंटर होके उसकी अनकोटिंग होगी और उसके अंदर से उसका न्यूक्लिक एसिड बाहर निकल आएगा। जो न्यूक्लिक एसिड अब निकलेगा वो रेप्लिकेट करना है उसने, वो नया आरएनए या डीएनए बनाएगा वायरस होस्ट के डीएनए और डीएनए को यूज करके, और इससे पहले जो रेप्लिकेशन होगी उससे पहले अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनेंगी, फिर डीएनए आरएनए बनेगा, फिर लेट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनेंगी, फिर उसकी दोबारा से असेंबली होगी जो कि एक अलग अलग वायरसेस बनाने के लिए, और फिर वो वहां से रिलीज हो जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ? अटैच हुआ, पेनिट्रेट किया उसने सेल के अंदर, अनकोटिंग होगी, अर्ली प्रोटीन बनी, न्यूक्लिक एसिड बना, फिर लेट प्रोटीन बनी, फिर उसकी पैकेजिंग एंड असेंबली होगी और वहां से वायरसेस रिलीज हो जाएंगे। यानी एक वायरस से काफी ज्यादा वायरसेस बन के फिर यहाँ से ये रिलीज होते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है, जब हम सारी पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए बाद में दिखाती हूँ आपको। वायरसेस जो है वो स्पेसिफाइड सेल जो होता है उसी पे जाके होस्ट के अटैच करेंगे, और
मोस्ट कॉमनली जो बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाते हैं हमारे इन्फेक्शन, वो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि वो खुद ही से ठीक हो जाते हैं, अपना ड्यूरेशन पूरा करेंगे और ठीक हो जाएंगे। जैसे हम फ्लू को कहते हैं कि 7 डेज लेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, इसी तरीके से राइनो वायरसेस है जो कि कॉमन कोल्ड कर रहा है, खुद ही ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, मम्स या चिकन पॉक्स है, बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इनके अगेंस्ट है, वो फाइट करता है और वो खुद ही से ठीक हो जाता है, उनके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। जबकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो फैटल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, उनके लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, जैसे कि HIV है जो कि एड्स कॉज कर रहा है, हेपेटाइटिस सी वगैरह भी आ जाता है। इसमें अगेन वायरस की रेप्लिकेशन दिखाई हुई है, वायरस अटैच हुआ सेल के अपने लिगेंड्स के थ्रू, सेल के अंदर गया, पेनिट्रेट हुआ, पेनिट्रेट करके अनकोटिंग होगी और उसका DNA और RNA बाहर निकल आया। ये इसका DNA और RNA बाहर निकला। अब ये होस्ट के DNA और DNA को यूज करके DNA और RNA मजीद बनाएगा। अब जो ये मजीद बने हैं, इनकी पैकेजिंग होगी और इनकी जो है मैच्योरेशन होगी, और फिर बहुत सारे जो है वायरसेस बनके वो बाहर निकलेंगे, और इसी प्रोसेस में जो होस्ट का सेल होता है उसे भी ये डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रप्ट कर देते हैं। ये दिखा रहे हैं कि कौन सा वायरस है, वो क्या कॉज कर रहा है। इसमें आप लोगों को सारे याद करने की जरूरत नहीं है। हर्पीज वायरस है, वो जेनिटल हर्पीज कॉज करता है, और दूसरी हर्पीज की दो टाइप्स हैं, ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस है, आजकल इम्पोर्टेंट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा करता है। रेट्रो वायरसेस हैं, वो ल्यूकीमिया और एड्स कॉज करते हैं। जो हम वैसे डिटेल में पढ़े हैं बस वही आपके लिए की जरूरत है, इस टेबल में से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स क्या करेंगी, सबसे पहली चीज तो हम वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन क्या है कि हम ऑलरेडी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए उनके अंदर डाल देते हैं, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही ऐसा डिवेलप हो जाए जो अगर कोई डिजीज आती है तो उनके अगेंस्ट एक्ट कर सके। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मम्स या चिकन पॉक्स है, वो खुद ही बॉडी का इम्यून सिस्टम ही उसको ओवरकम कर लेता है। एंटीवायरल एजेंट्स जो हम दे रहे हैं उनका क्या काम है कि या तो वो एंटर ही ना होने दे वायरस को होस्ट सेल के अंदर, और अगर वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो गया है तो अब उसकी बेशक वहां पर एप्लीकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो उससे मजीद जो वायरस की स्केलेटन प्रोजेनी बनी है या जो बहुत सारे वायरसेस बने हैं उन्हें वो वहां से होस्ट सेल के अंदर से रिलीज ना होने दे, वहां पे एक्ट करे। किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं सेल के जेनेटिक मटेरियल को ताकि वो मल्टीप्लाई ही ना करे। कौन सा एंटीवायरल एजेंट है, एसाइक्लोविर है, जो इनहिबिट कर देता है वायरस के एंजाइम्स को, होस्ट एक्सप्रेशन को, वायरस प्रोटीन्स के और असेंबली को, या फिर लीविंग द सेल जो जहाँ पे लीव हो रहे हैं, जहाँ से वो लीव करेंगे बनने के बाद उसको वो ब्लॉक कर देता है, वो कौन सी ड्रग है, एमेटाडीन है, जो कि इसमें हेल्प करती है। ये जो हमने बात की थी कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे देखे वो उसको अटैच ही नहीं होने देंगे, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यहाँ पे एक्ट कर रही है, पेनिट्रेट नहीं होने देंगी, फिर अनकोटिंग नहीं होने देंगी और यहाँ से रिलीज नहीं होने देंगे, ठीक है। ये आगे और अच्छी मैं आपको डायग्राम जब नाम पढ़ लेंगे तब आपको सही से दिखाऊंगी। एंटीवायरल थेरेपी चैलेंजिंग क्यों है हमारे लिए, थ्री रीजन है इसकी। एक तो ये कि रैपिड रेप्लिकेशन हो रही है, दूसरी चीज ये कि रैपिडली म्यूटेशन हो रही है, रैपिडली रेप्लिकेशन हो रही है, फौरन फौरन बन जाते हैं इससे पहले कि हम उसे ड्रग दें वो मजीद अपने वो बना चुका होता है। दूसरी चीज ये कि म्यूटेशन होती है, हम एक वेरियंट के अगेंस्ट देते हैं लेकिन वो तब तक जो है वो म्यूटेट कर चुका होता है। तीसरी चीज ये है कि हम इस चीज को वो रखें, कंसिडर करें कि जो हम ड्रग दे रहे हैं वो होस्ट सेल के लिए डैमेजिंग ना हो, सिर्फ वो वायरस के लिए ही डैमेजिंग हो, ठीक है, विदाउट इंजरिंग नॉर्मल सेल जो है वो उसको करे, वायरस को डिस्ट्रॉय करे और कोई टॉक्सिसिटी होस्ट सेल में ना कॉज करे। और सारी एंटीवायरल ड्रग्स जो है उनमें कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो वायरोस्टेटिक है। वायरोस्टेटिक का क्या मतलब है कि जो लेटेंट पड़ा हुआ होता है वायरस, जो बॉडी में पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो क्या करती है कि जो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसको, रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ रोकती है, जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर नहीं एक्ट कर रही होती। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस को कौन कौन से एजेंट्स हैं जो ट्रीट करते हैं, ओरल एजेंट्स में एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमसीक्लोविर, टॉपिकल में एसाइक्लोविर, डोकासनोल, पेंसिक्लोविर, IVB एसाइक्लोविर देते हैं और ऑफ्थेल्मिक में ट्राइफ्लोरिडीन है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या है,
इससे ब्लिस्टर्स कॉज करता है, ब्लिस्टर्स से बन जाते हैं जो वाटर फिल्ड कह लें या छाला टाइप जो होता है वो बन जाता है स्किन पे, जेनिटल पे और बाकी म्यूकोजल सर्फेसिस पे। दो तरह का होता है, टी सिंप्लेक्स एक टाइप वन है, एक टाइप टू है। जो टाइप वन है वो नॉन जेनिटल है और जो टाइप टू है वो जेनिटल है। मोस्टली ये होता है कि लेटेंट पड़ा हुआ होता है अंदर और किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी एंजाइटी की वजह से जो है वो अपने आप को शो करता है और फिर वो ब्लिस्टर्स बनते हैं। जैसे वायरस तो पड़ा हुआ होगा बॉडी में लेकिन कोई स्ट्रेस कंडीशन आई या कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो ब्लिस्टर्स से बन जाते हैं। या आप लोगों ने सुना हो शायद अक्सर लोगों को कि वो कहते हैं कि एग्जाम्स के दिनों में या इस तरह कोई बात हो तो छाले बन जाते हैं जबान पे या लिप्स पे, इस तरीके से जो बन जाते हैं। ये वो चीज है, एक साइकिल भी यूज होती है इसके लिए, हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए भी, हर्पीस ज़ोस्टर के लिए भी, चिकन पॉक्स में भी और एब्स्टिन बार वायरस में भी। आईवी यूज भी है इसका, ओरल भी है और टॉपिकल भी है। प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके ये है कि रीनल फेलियर जो है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स हैं उनमें टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, वरना ये वेल टॉलरेटेड है। ओरोलेबियल हर्पीस के लिए पेनिसिलिन यूज कर रहे हैं, ए साइक्लोविर की तरह ही है और इसकी जो है एप्लीकेशन साइट पे ही रिएक्शन शो होते हैं, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। डोकासानोल है, ये ब्रॉड रेंज ऑफ लिपिड एनवेलप वायरसेस जो है उसके अगेंस्ट एक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि इंटरफेयर करता है वायरस को होस्ट के साथ फ्यूज ही नहीं होने देता, अटैच ही नहीं होने देता। केराटोकंजक्टिवाइटिस के केस में ट्राइफ्लोरिडीन यूज करते हैं और ये वैक्सीनिया वायरस और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। केराटोकंजक्टिवाइटिस आईज की है तो ये जो ऑफ्थाल्मिक ऑइंटमेंट है ये सिर्फ ट्राइफ्लोरिडीन में आती है। साइटोमेगालोवायरस के ट्रीटमेंट के लिए गैनसिक्लोविर, वेलगैनसिक्लोविर, फॉस्कार्नेट, सिडोकोविर और फोमिविल्सन यूज होती है। CMV इन्फेक्शन स्किन में होते हैं जो बहुत ही इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स होते हैं और लेटेंट मतलब इनके अंदर पड़ा होता है और फिर वो अपने आप को शो करता है। एंड ऑर्गन डिजीज की तरफ जो जा रहे होते हैं खासतौर पर उनमें जिनमें रेटिनाइटिस है, कोलाइटिस, एसोफेजाइटिस, सीएनएस डिजीज और न्यूमोनाइटिस। गैनसिक्लोविर है, उसके प्रोडक्ट वेलगैनसिक्लोविर है, इसका मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल एसाइक्लोविर के जैसा है, एक्टिव है अगेंस्ट ऑल हर्पीस वायरसेस एंड साइटोमेगालोवायरस। ओरल बायो अवेलेबिलिटी लो है इसीलिए आईवी देते हैं। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स में इसके बोन मैरो सप्रेशन आती है, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें, और सीएनएस इफेक्ट्स में हेडेक, साइकोसिस और कन्वर्जेंस आती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स में इसकी थेरेपी को फिर हमें स्टॉप करना पड़ता है। फॉस्कार्नेट इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट एनालॉग है और इसको फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर नहीं होती, यानी कि ये एक्टिव ही होती है जब एक्टिव फॉर्म में ही है, जो गई मजीद फॉस्फोरिलेशन से रिक्वायर नहीं होती बॉडी में। हर्पीस 1, 2 वेरिसेला और सीएमवी के अगेंस्ट एक्टिव है और वो भी वायरसेस जो कि एसाइक्लोविर और गैनसिक्लोविर से रेजिस्टेंट हो चुके हैं उनके लिए भी। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, डायरेक्ट इनहिबिशन करता है डीएनए पॉलीमरेज की और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज और सीएनएस टॉक्सिसिटी आती है। और प्रेगनेंसी में इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसे हमने नहीं देखा। सिडोकोविर है, ये क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी आती है। हाई डोज प्रोबेंसिड के साथ देते हैं, इसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। ये वाली स्लाइड मैंने डिलीट की थी, पता नहीं सकते मैं क्यों है ये रहने दें। एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स हैं। हेपेटाइटिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लिवर डिजीज है, लिवर को एक्ट करता है हेपेटाइटिस ए, बी और सी, मोस्ट कॉमनली ये तीनों हैं। हेपेटाइटिस ए में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रिक्वायर होती है, खुद ही ठीक हो जाता है 1 से 2 हफ्तों में। और अगर ये के किसी में हो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन तो उसमें बस ये है कि वो ऐसी ड्रग्स को या ऐसी फूड आइटम्स को अवॉइड करे जो कि हेपेटोटॉक्सिक हो, जिसमें अल्कोहल आ जाती है या कोई ऐसी मेडिकेशन जो कि हेपेटोटॉक्सिक हो, उनको अवॉइड करे अंटिल वो फुली रिकवर ना होते। हेपेटाइटिस बी है, इसमें ये इसके लिए भी कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर होता, अनलेस कि बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेसिव फल्मिनेंट हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा हो या फिर बहुत ही ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो। और अगर हम जो बहुत ही जिनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो रहा था, बहुत अर्से से चल रहा हो, प्रोलॉन्ग हो जो, उसमें भी हम ड्रग इसलिए देते हैं ताकि हम उसको लिवर डैमेज को कंट्रोल कर लें और किसी कॉम्प्लिकेशन से सिरोसिस वगैरह से उसे प्रिवेंट कर सकें। कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, अल्फा इंटरफेरॉन है, पिगैलेटेड इंटरफेरॉन है,
और लैमिपोडीन है। इंटरफेरॉन्स क्या चीज है? एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं जो के बॉडी में बनती हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। डीएनए और आरएनए वायरसेस जो हैं दोनों से बनती हैं ये, और करेंटली जो इनको हमने ग्रुपिंग की है वो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा और गैमा है। जो अल्फा और बीटा है ये सारे वायरसेस मतलब और बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और ट्यूमर सेल्स। जबकि जो गैमा है वो प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रालीजनली देते हैं, सबक्यूटेनियस और आईवी देते हैं। सारी बॉडी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्सेप्ट सीएनएस एंड आई। पीटेरेटिक इंटरफेरॉन्स जो है वो मॉडिफाइड इंटरफेरॉन्स ही हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा इंप्रूव होती है। इंटरफेरॉन अल्फा एक्ट कैसे करता है? बाइंड कर जाता है रिसेप्टर्स के साथ जो सेल सरफेस पे होते हैं, और होस्ट सेल एंजाइम्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है कि वो वायरल ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह उनकी हो और आगे उनके जो है वो कहने के स्ट्रैंड्स बनते जाए। उसके अलावा ये वायरल की पेनिट्रेशन को, उसकी एनकोटिंग को, उसके सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन को, उसकी असेंबली को, उसके रिलीज को, हर चीज को ये इनहिबिट कर रहा है, और जो हमारे मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को इनहेंस भी कर रहा है। क्लिनिकल यूज इसका क्या है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में और सी में, हर्पीस वायरस में, इन्फ्लुएंजा में, कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर में जिसमें किडनी कैंसर, मैलिग्नेंट मेलानोमा, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकेमिया आ जाते हैं, और एड्स रिलेटेड कैपोसिस सार्कोमा में। साइड इफेक्ट्स में इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसमें डिप्रेशन और सीजर्स हैं, माइलोसप्रेशन में न्यूट्रोपिनिया, हेपेटिक एंजाइम्स की एलिवेशन हो जाती है और माइल्ड हेयर लॉस होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी है कि हेपेटिक फेलियर के केस में नहीं देना, ऑटोइम्यून डिजीजेस में और प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना। अदर ट्रीटमेंट जो है उसके लिए हम एडिफोविर, एंटीकेविर, लैमिबुटीन, टेल्बीबुटीन और टीनोफोविर देते हैं। ये क्या करती हैं कि चेन टर्मिनेशन करा देती हैं, उसको आगे प्रोड्यूस ही नहीं होने देती हैं। सो आगे डायग्राम में दिखाती हूं। वायरल डीएनए में इनकॉर्पोरेट होके उसको फिर आगे चेन टर्मिनेशन कर देती हैं और आगे उसकी रेप्लिकेशन ही नहीं होती इस तरह से। जैसे ये वायरल डीएनए है और इसकी ये मैसेंजर आरएनए के थ्रू आता है और इसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही होती है, तो आगे ये आके अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि चेन टर्मिनेशन हो जाती है, इससे आगे वो बने गए। हाँ जी, इंटरफेरॉन हमने पढ़ ली है, लैमिबुटीन है। लैमिबुटीन क्या करती है? पोटेंट न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, इनहिबिट करती है हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को, दोनों वन और टू, और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। प्रो ड्रग है लेकिन इसकी फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड होती है, बॉडी के अंदर जाके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में आती है। क्लिनिकल यूज इसका हेपेटाइटिस बी में और एचआईवी में। एडवर्स इफेक्ट्स इसके सीएनएस में पेरेस्थीजिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है, और इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस सी में इंटरफेरॉन अल्फा भी हमने पढ़ लिया कि वो बी और सी दोनों में यूज होता है, और इसके अलावा रिबावेरिन है। रिबावेरिन क्या है? गोनोसिन एनालॉग है, इसकी भी फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड होती है, बॉडी में जाके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, बाय होस्ट एंजाइम्स इनहिबिट करेगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। ये कन्वर्ट कर रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, डीएनए पॉलीमरेज को और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, लैमिबुटीन। जबकि जो रिबावेरिन है वो कर रहा है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके हिमोलिटिक एनीमिया, कंजक्टिवल एंड ब्रोंकियल इरिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए वायरसेस, जिन्हें हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। और जो एजेंट्स आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। रेट्रोवायरसेस क्या है? एनवेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस है। ये पता ही आप लोगों को, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, रेप्लीकेट कैसे करते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंड है तो ये अब रेप्लीकेट कैसे करेगा? ये जाके होस्ट के डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उसके डीएनए से अपने आप को रेप्लीकेट करके, और फिर वो नया मतलब रेप्लीकेशन हुई और दो आरएनए बन गए नए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो इसके लिए यूज होता है। क्या करता है? ये आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करता है डीएनए में, जो जाके फिर इंटीग्रेट करता है होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में एंजाइम इंटीग्रेज के थ्रू। जब डीएनए के साथ जाके अटैच हो रहा है तो वहां पे एंजाइम आता है इंटीग्रेज।
इसमें बहुत से ऐसे आते हैं जो कि ऑन्कोजेनिक हैं और वैरायटी ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं और डिजेनरेटिव और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स कॉज करते हैं। यहाँ पे वायर देखे, वायरस आया, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वो अंदर आएगा, अंदर आके उसकी अनकोटिंग हुई है, अनकोटिंग के बाद उसका रिलीज हुआ। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा जो कि इसको कंबाइन करेगा, जो कि इसको कन्वर्ट करेगा डीएनए में। अब जब इसे इंटीग्रेट करना है होस्ट के डीएनए में, तो यहाँ पे एंजाइम आ गया इंटीग्रेज, और फिर वो आगे ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा, और फिर नया वायरस बन के उसकी असेंबली होगी। थ्री एंजाइम्स थे जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हुए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक इंटीग्रेस और प्रोटीएज। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो यहाँ पे एक्ट करता है और इसकी मैच्योरेशन करवा रहा होता है। ठीक है, इस तरह हमने इसकी सिक्स क्लासिफिकेशन बनाई ड्रग्स की। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे एक्ट करेंगी वो हो गए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। देन हमारे पास आए इंटीग्रेस इनहिबिटर्स, फिर हमारे पास आए प्रोटीएज इनहिबिटर्स, और हमारे पास है एंट्री इनहिबिटर्स और CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंट्री इनहिबिटर्स कौन है? वो यहाँ पे एक्ट करेंगे और एंट्री ही नहीं होने देंगे, और CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होस्ट के सेल पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और वो उनको ब्लॉक कर देगा और वहां पे ही नहीं अटैच होने देगा। ठीक है, ये क्लासेस है, ये याद करने की यहाँ से जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक चाहोगे। अगेन यहाँ पे देखें फ्यूजन इनहिबिटर्स में वो दोनों आ गए जो कि एंट्री इनहिबिटर्स भी है हमारे और CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है। देन हमारे पास आरएनए से डीएनए जब बन रहा था तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हमारे पास दो एजेंट्स आ गए, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट वो जाके इनकॉर्पोरेट जब कर गया तो यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम रिक्वायर्ड था जो कि इसे इंटीग्रेट करवाता है होस्ट सेल के डीएनए में, तो यहाँ पे आ जाएंगे इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। और जब ये बन गया है और यहाँ पे इसकी मेच्योरेशन हो रही है तो वहां पे प्रोटीएज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है जो कि उसका कैप्सिड लेयर बना रही होती है, और वो सारा कुछ तो यहाँ पे आ गए प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं इसमें हम एचआईवी के लिए खास तौर पे देख रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली मतलब बहुत कॉमन है ये एचआईवी जो दी जाती है। इसमें हम रिजीम बनाते हैं, अकेला एक भी एक ड्रग नहीं देते, हमेशा इसको कंबाइन करके देते हैं। कंबाइन किस तरीके से करते हैं? दो एनआरटीआई होंगी, उसके साथ हम एक प्रोटीएज इनहिबिटर को इंक्लूड करेंगे, या एक एनएनआरटीआई को, इंटीग्रेज इनहिबिटर को, और एक एंट्री इनहिबिटर को। ठीक है, ये इन सब को साथ मिला के देंगे। इसे हम कहते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, HAART। इसमें थ्री या मोर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स एक ही टाइम पे दिए जाते हैं ताकि वो वायरस को भी स्टॉप कर दें, उसको रेजिस्टेंस की डिवेलप को भी होने से रोक दें, और हाईली इफेक्टिव अप्रोच हमें मिल जाए। एच आई वी ड्रग टॉक्सिसिटी किससे होती है? या तो ड्रग की वजह से, या तो ड्रग अंदर कुछ नहीं आ रहा, कोई शायद ना हो, या तो ड्रग की वजह से हो रही है, या कि या उसकी स्पेसिफिक क्लास की वजह से कि जो सबके ही होंगे, और जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो सिवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और एसेंशियली इरिवर्सिबल है। रेजिस्टेंस इसकी भी जल्दी से डेवलप हो जाती है, किस वजह से? क्योंकि वो म्यूटेशन हो जाती है, और अगर वो प्रेजेंस ऑफ ड्रग में ही म्यूटेशन हो जाए तो वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसी के साथ रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा डेवलप हो गई। सिलेक्शन ऑफ ड्रग, जो हम ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेशन जो होंगे उनमें क्या होता है, फिर हायर लेवल ऑफ वायरेमिया हो जाता है, क्योंकि वो सब मतलब तो एक तो उस जो पहले था अभी म्यूटेंट जीन भी आ गया, इसकी वजह से भी हो जाता है, और जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो ट्रांसमिट भी होती है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट भी हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग है जो हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या करती है? इंटरफेयर करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इंटरफेयर करती है, और वहां पे इसको इनहिबिट कर देगी कि वो नई कॉपीज ना बना पाए। और इसमें जो भी हम रिजीम यूज करते हैं उसमें हम दो एनआरटीआई यूज करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या था कि वो वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करती है। एक्ट कैसे करती है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, वो इनकॉर्पोरेट कर देता है वायरल डीएनए में, जैसे हमने पढ़ा था कि चेन टर्मिनेशन हो जाएगी और प्रीमैच्योर चेन टर्मिनेशन हो जाएगी और इनहिबिशन हो जाएगी
कि वो आगे से बाइंड करे, और इसको इंट्रासाइटोप्लाज्म की एक्टिवेशन रिक्वायर होती है फॉस्फोरिलेशन से सेलुलर एंजाइम से, जो कि इसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, साइटोकिन की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, बोन मैरो सप्रेशन, डाइडेनोसिन, सेटाबिन और सेबटीन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैनक्रियाटाइटिस, एबेसिवियर की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेरियोरल पैरेस्थीसिया, हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया है, रहने दीजिएगा। टिनोफोविर और लैमिविडिन की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लॉचुलेंस वगैरह, ये वाला याद कर लीजिएगा। टेबल भी इसमें माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी, लैक्टिकोसिडोसिस, फैटी लिवर हो जाता है एनआरटीआईज की वजह से, ज़ाइडोडीन और स्टेरॉडीन की वजह से डिस्लिपिडेमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होती है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है एबेसिविर और डाइडेनोसिन के केस में। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, ये भी डायरेक्टली बाइंड करते हैं एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में, प्रिवेंट करते हैं आरएनए की कन्वर्जन को इनटू डीएनए, और जो बाइंडिंग साइट है एनएनआरटीआई की वो डिफरेंट होती है एनआरटीआई से, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे जाके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर अटैच हुआ है एनएनआरटीआई दूसरी साइट पर अटैच होगा, लेकिन होगी उसके करीब करीब, और ये एक्टिव फॉर्म होती है, इसको फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर नहीं होती। ड्रग रेजिस्टेंस क्विकली डेवलप हो जाती है अगर हम इसको मोनोथेरेपी में देंगे, और इसी वजह से हम इसे जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही यूज करते हैं। इसमें डेलिवर्डीन, एफावेरेंस और नेविरेपिन आती है। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके वर्स्ट होते हैं फर्स्ट 2 वीक थेरेपी में, फिर जब उसके टॉलरेट करना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें जी आई इंटॉलरेंस आती है खासतौर पर, और स्किन रैश, LFTs elevate हो जाते हैं, और CNS effects आते हैं, इसमें sedation, insomnia, dizziness और confusion है। Next हमारे पास protease inhibitors, जो कि उसकी जो processing हो रही थी viral proteins की और functional conformations बन रही थी, वो पूरा जो पूरी assembly virus की हो रही थी, mature form बन रही थी, वहाँ पे जाके ये inhibit करता है और immature non-infectious viral particles बन जाते हैं, और इसको भी protease inhibitors को भी intracellular activation required नहीं होती। ये भी नाम प्रोटीज इनहिबिटर्स के हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्विनेविर, कलेंडिनेविर, रेटोनेविर, ये इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स इसके ये है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, लिपिड एबनॉर्मलिटीज आती हैं, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है बॉडी में, बोन डिसऑर्डर्स कॉज करती है, और जी आई डी इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री इनहिबिटर्स, वो उसके वायरल एनवेलप को अटैच ही नहीं होने देते होस्ट के साथ, फ्यूजन ही नहीं होने देते कि वो अंदर मेम्ब्रेन पे अटैच हो और फिर वो अंदर जाए। एम्फ्यूबिरिटाइड है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, इसका टॉक्सिसिटी भी है कि इंजेक्शन साइट पे रिएक्शंस होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीग और हाइपर सेंसिटिविटी। CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, CCR5 रिसेप्टर ह्यूमन सेल पे प्रेजेंट होता है, उस पर आके अटैच हो जाता है पहले ही, और जो है होस्ट सेल में, डिफेंस सेल में होते हैं ये होस्ट के, और पहले से अटैच हो जाते हैं, और उसको फिर रिसेप्टर को ही चेंज कर देते हैं कि वो वहां पे आके अटैच हो सके। मैराविरोक आती है, इसमें एडवर्स इफेक्ट में उसके एब्डोमिनल पेन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कफ, हेपेटोटॉक्सिसिटी, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स और रैश। इंटीग्रेस इनहिबिटर्स है, वो क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है स्ट्रैंड को, ट्रांसफर ही नहीं होने देता आरएनए के, वो जाके इंटीग्रेट कर सके होस्ट के डीएनए के साथ, दस इंटरफेरिंग विद इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड एचआईवी डीएनए इनटू द क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल। रेल्टीग्रेविर है इसमें, जो यूज होती है नोजिया, हेडेक और डायरिया कॉज करती है, ये जहां जहां भी जो कॉज कर रहे होते हैं वो है। अब ये जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डायग्राम देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन सी ड्रग है, अब नाम पढ़ लिया है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, अटैच ही नहीं होने देते, एम्फ्यूबिरिटाइड है, मैविरोक है, मैराविरोक है, डोकासेनोल है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आएंगे जहाँ पे वो यहाँ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एनएनआरटीआईज आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे जहाँ पे प्रोटीएज इनहिबिटर जहाँ पे आएंगे, ठीक है। खाली लास्ट स्लाइड ही थी जो मैंने पढ़ी थी, हाँ जी ठीक है बच्चों, समझ आई है लेक्चर?
बच्चों लेक्चर समझ आ गई है, ये डिटेल ज्यादा है, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है, लेकिन इजी है। सिर्फ आप लोगों को ये कि कौन सा कहाँ पे एक्सपर है, ये मोस्ट कॉमन चीज है। ठीक है बच्चों, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो आप लीव कर सकते हैं। मैम मैं इसका सिलेबस बना दूँ अपने मिक्स के लेक्चर में, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके मैम, अभी मैं सोच रही हूँ। ठीक है, वैसे मिड से पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर्स रह गए हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन ये कि थोड़ा ही रखेंगे ताकि कुछ फाइनल के लिए भी बच जाए। यस मैम। बच्चों जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन करा ली है वो प्लीज कैंपस आना शुरू हो जाएं, और जिन्होंने नहीं करवाई वो प्लीज वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि आप लोगों के मिड्स ऑन कैंपस ही होने हैं और उन्हीं बच्चों के होने हैं जो वैक्सीनेटेड होंगे, और जो नहीं होंगे उनका ये नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, उनका या तो ऐसे ग्रेड लगेगा या फिर उनको पास फेल की बेसिस पर उनका रीटेक लिया जाएगा। इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन, आप लोग वैक्सीनेशन करा लें और आ जाएंगे, ना सोचेंगे नहीं कराएंगे तो अच्छा पेपर भी नहीं होंगे, ये मत सोचे, और फाइनल तक तो लाजमी आप लोग सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी होनी चाहिए। और बच्चे अपने फायदे के लिए ही है ये, आपने अपने आप को ही सेव करना सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज है ना। अब आप लोग, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उससे होगा जो ये सोच रखता हो कि बिल गेट्स बात सुन लेगा। जी बच्चे, मैम काइंडली स्टार्ट से लेंगी या अगले लेक्चर तक के मुद्दे पर कुछ आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा कहें। मैं ये पूछ रही हूं कि हमारे सिलेबस से होगा कि मिड में से एग्जाम वाले लेक्चर बेटा पता नहीं, मैं अभी आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बस ट्यूसडे तक इंतजार करते हैं आप थोड़ा सा, जो क्विज में आए हैं लेक्चर्स मेरी कोशिश होगी कि वो मैं रिपीट ना करूं, जो क्विज में कवर हो चुके हैं लेक्चर्स वो मिड में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, लीव कर सकते हैं आप लोग, अल्लाह हाफिज़।